हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एग्जाम्स का सीजन है और आप सब कैट, मैट, जीमैट, जीआरई, बैंक, पीओ, आईएएस इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन सब की प्रिपरेशन करने से पहले एक मेन चीज आती है, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आपकी वोकैबुलरी में 1500 से 2000 वर्ड्स हैं, तो आपकी इंग्लिश एक अच्छे लेवल की मानी जाती है। तो आज मैं आपको इन एग्जाम्स के लिए जो 333 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की, वो आज सिखाने जाऊंगा। ये मेरी सीरीज जो है उसमें मैं 10 से 12 वर्ड्स डेली एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, और जिससे कि आप ये वर्ड्स आसानी से सीख सकते हैं। चलिए थुपिराइए, हम शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब है डिक्रीज, यानी कि कम होना। अबेट को मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करिए ए प्लस बेट। बेट जो कि अंग्रेजी में होता है चारा, मछली पकड़ने के लिए आप जिस चारे को लगाते हैं उसे बेट कहते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, यानी कि मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें कि आपने अपनी फिशिंग रॉड पे एक बड़ी सी शार्क लगा रखी है, और उस बड़ी सी शार्क को आप मछली पकड़ने के लिए, एक बड़ी सी मछली पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। पर जैसे ही आपने उस शार्क को पानी में डाला, यानी कि समुद्र में फेंका, वहां पे एक छोटी छोटी मछलियों का झुंड आ गया जो शार्क को धीरे धीरे खा गया। आपने ये सब देखा और आपने ये देखा कि शार्क जो है वो धीरे 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 डिक्रीज होते 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 खत्म हो गई, और एंड में आपके पास सिर्फ हुक रह गया, आपका बेट चला गया। तो अबेट का मतलब है डिक्रीज, यानी कि कम होना। जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है एबरेंट। एबरेंट का मतलब डेविएटिंग, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कोई भी चीज जो समान से हटके हो। अब मैं चाहता हूं एबरेंट, एबरेंट का मतलब डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल। तो एब प्लस रेंट, एब प्लस रेंट। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये इमेजिन करें कि एक वानर, एक बंदर आपको रेंट दे रहा है आपके घर का, और रेंट में वो कैश के बजाय पत्ते दे रहा है आपको। तो ये नॉर्मल से कितना हटके है। अब मैं चाहता हूं आप दिमाग में इसकी एक इमेज बनाए और आप शॉक हो गए ये देख के, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। तो एबरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेयंस। अबेयंस का मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कूल को इमेजिन करें, स्कूल को इमेजिन करें, और स्कूल में ये इमेजिन करें कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी, ठीक है। आपने ये शर्त लगाई थी कि आप प्रिंसिपल के रूम में जाके डांस करेंगे। अब आपके फ्रेंड्स आपको आके बोल रहे हैं अबे डांस कर जाके, अबे डांस कर जाके प्रिंसिपल के रूम में। जैसे ही आप प्रिंसिपल के रूम में घुसे और आप उसके टेबल पे चढ़ के नाचने लगे, डांस करने लगे, प्रिंसिपल ने आपको टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया, आपको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। तो अबेयंस मतलब अबे डांस। अबे डांस से आपको ये याद रहेगा कि आप प्रिंसिपल के रूम में नाच रहे थे, और उससे आपको ये याद रहेगा कि अबेयंस का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब है भाग जाना, रन अवे। अब इसका एब्स आपको पता है, और कौन, कौन मतलब जो इंसान किसी को धोखा दे दे। अब मैं ये चाहता हूं कि आपका जिम ट्रेनर जिसके बड़े बड़े एब्स थे, उसने आपसे जिम की फीस ली और वो भाग गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एब्सटीमियस। एब्सटीमियस का मतलब होता है टेम्परेट। टेम्परेट मतलब जिस इंसान के पास पेशेंस हो, जिसके पास धैर्य हो। मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आप एब्स बनाना चाहते हैं। एब्स बनाने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, डाइट। अब मैं ये चाहता हूं कि आप एब्स बनाने के लिए डाइट पर हैं, और आप
आपको वहां पे खाना खाने के बजाय स्टेम्स खाने पड़ रहे हैं। स्टेम्स किसके? रोज के स्टेम। स्टेम मतलब तना। तो आपको रोज की डालियां टहनियां खानी पड़ रही हैं और आप उनको क्या खा रहे हो? बड़े आराम से खा रहे हो कि मैं ये खाऊंगा और मेरे एब्स बन जाएंगे। तो धीरे धीरे, सो यू आर हैविंग पेशेंस के धीरे धीरे करके ये सब हो जाएगा। तो इससे आपको एब्सटीमियस याद रहेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या वॉर्न करना। ये वर्ड बना है एड प्लस मनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, आपने एक एड दी और आपने उसके लिए पैसे भी दे दिए, मनी भी दे दिया, ठीक है। बट उस इंसान ने आपकी जो है एड वो लगाई ही नहीं। आपने एक पोस्टर लगाने के लिए एक इंसान को बोला था, एड दी थी और मनी भी दिया था उसको, पर न्यूज़पेपर में वो एड नहीं आई। तो अब आप उस बंदे को फोन करके वार्न कर रहे हो और क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तूने मेरे से पैसे तो ले लिए पर मेरी एड तो न्यूज़पेपर में आई नहीं। आई एम वार्निंग यू कि नेक्स्ट डे मेरी एड जो है वो आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडल्टरेट, मतलब किसी भी चीज को इम्प्योर बनाना या डिग्रेड करना। अडल्टरेट मेरे लिए है अडल्ट प्लस रेट। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन कीजिए, आपका दूध वाला आया है आपके घर और वो आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से दूध दे रहा है, मतलब एडल्ट वाला रेट लगा रहा है। एडल्ट रेट इन द सेंस ज्यादा रेट लगा रहा है। और उसने क्या किया हुआ है, उसमें आधा पानी मिक्स किया हुआ है। जैसे आप दूध को खोल के देखते हो आपको व्हाइट दूध की जगह वहां पे पानी दिखता है, तो आप क्या उससे एसोसिएट कर सकते हो? एडल्टरेट। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है अट्रैक्टिव। अब मैं आपको ये इमेजिन करवाना चाहता हूं कि मेरे लिए एस और थेटिक, तो एस प्लस सिंथेटिक। तो मैं आपको ये इमेजिन करवाना चाहता हूं कि आपका जो एस है वो सिंथेटिक का बना हुआ है और सब आपको ये बोल रहे हैं कि आप बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हो इस एस में। सोचिए कैसी इमेजिनेशन बनेगी। जी हाँ, आप जैसी इमेजिनेशन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को उस बारे में बताएं, बट आपके दिमाग में वो बात बस रहनी चाहिए किसी भी तरह। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्शन या बंडल। और मेरे लिए एग्रीगेट क्या है, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं तो एग प्लस रैग प्लस एट। तो एग, रैग और एट। तो एग मतलब अंडा, रैग मतलब लिफाफा और एट मतलब खाना। तो मैंने अंडे को लिफाफे में मिक्स करके खा लिया। अब सोचिए, आप नॉर्मली अंडा ऐसे खा नहीं सकते, बट अगर आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि आप अंडे को रैग में मिक्स करके खा रहे हैं तो आप उससे आपको एग्रीगेट याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, मतलब बहुत ज्यादा आपको उत्सुकता किसी चीज के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन करें एला प्लस क्रिटी। अब मेरे लिए एला तो कुछ नहीं है तो मैंने इसका आलिया बना लिया, और क्रिटी तो कुछ नहीं है तो मैंने इसका सिटी बना लिया। मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आलिया आपकी सिटी में आ रही है आपसे मिलने के लिए और आप बहुत लाइवली और ईगर हैं उसको मिलने के लिए। इस तरह से आपको एलाक्रिटी याद रहेगा। अब मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें और शेयर करें ये सबसे, और मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके पास जल्दी ही आऊंगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर। थैंक यू सो मच।